हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवी का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है आपका, एंड होपफुली सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा आज। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए थे, क्या करेक्ट आंसर्स हैं, और बाकी केवी के अगर कोई स्टूडेंट्स इनको देख रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि आपकी केवी में भी यही पेपर आएगा। पैटर्न यही रहेगा डेफिनेटली, बट क्वेश्चंस डेफिनेटली चेंज होंगे बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं और सभी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपने अलग एग्जाम पेपर बनाते हैं। बट स्टिल आपको इससे थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो लेट्स सी नाउ, लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसा पेपर था। एंड मैं पहले ही बता दूं, आई टीच मैथ्स, मैं इंग्लिश पढ़ाती नहीं हूं। जो आपके ग्रामर की या फिर पैसेज वाले क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, बट जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आपको आंसर पता ही होंगे, वो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बी लाइक अ फ्लावर, एक फ्लावर की तरह बनिए। वन मस्ट ट्राई टू बिकम लाइक अ फ्लावर, हर किसी को कोशिश करनी चाहिए फ्लावर की तरह बनने की। कैसे? ओपन, फ्रैंक, इक्वल, जेनरस एंड काइंड। आप ओपन हो, खुले हो, फ्रैंक हो, बात करते हो, ओपन हो सभी के साथ, बराबर हो, जेनरस हो एंड काइंड हो, दयालु हो। सो यू नो वॉट इट मीन्स, पता है आपको इसका क्या मतलब है? अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल दैट सराउंडेड, चारों तरफ जो भी है फ्लावर के वो सभी के लिए खुला है। नेचर, लाइट एंड द रेज ऑफ द सन, चाहे वो नेचर है, लाइट है या फिर सन रेज है, द विंड एट्सेट्रा, सभी के लिए वो खुला है। इट एक्सर्ट्स अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस ऑन ऑल दैट अराउंड इट। ये एक स्पॉन्टेनियस मतलब होता है क्विक इन्फ्लुएंस डालता है सभी के ऊपर जो भी इसके चारों तरफ है, इफेक्ट डालता है एक तरीके से। इट रेडिएट जॉय एंड ब्यूटी, ये रेडिएट करता है, फैलाता है जॉय और ब्यूटी को। इट इज फ्रैंक, इट हाइड्स नथिंग ऑफ इट्स ब्यूटी, अपनी ब्यूटी का कोई भी पार्ट वो छुपाता नहीं है, इसलिए फ्रैंक है। एंड लेट इट्स फ्रेग्रेंस फ्लो फ्रैंकली आउट ऑफ इटसेल्फ, और अपनी फ्रेग्रेंस को चारों तरफ फैला देता है। वॉट इज विद इन एंड वॉट इज इन इट्स डेप्थ, जो भी इसके अंदर है या फिर इसकी गहराई में है। इट लेट्स इट कम आउट सो दैट एवरी वन कैन सी इट, वो सभी चीज़ों को बाहर लेके आता है ताकि सभी देख सकें उसको। इट इज़ इक्वल, सभी के लिए बराबर है। इट हैज़ नो प्रेफरेंस, उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, किसी को एक से बड़ा दूसरे को नहीं मानता है वो। एवरी वन कैन इन्जॉय इट्स ब्यूटी, हर कोई इसका ब्यूटी को इन्जॉय कर सकता है। एंड इट्स परफ्यूम विदाउट राइवलरी, और इसके परफ्यूम को बिना किसी लड़ाई झगड़े के। इट इज़ इक्वल एंड सेम फॉर एवरीबॉडी, फ्लावर हर किसी के लिए एक जैसा होता है, बराबर होता है। देर इज़ नो डिफरेंस और एनीथिंग व्हाट्सोएवर, कोई अंतर नहीं है या फिर जो भी आप कहना चाहें। देन जेनरस, उसके बाद जेनरस कैसे है? विदाउट रिजर्व और रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी रुकावट के, रिस्ट्रिक्शंस के। इट गिव अवे द मिस्टीरियस ब्यूटी एंड वेरी ऑन परफ्यूम ऑफ नेचर, जो इसकी खुद की ब्यूटी और खुद का जो परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस है, वो ये आराम से सभी को दे देता है, इसलिए जेनरस है। हैप्पी इज़ ही हु कैन एक्सचेंज इट्स क्वालिटीज़ विद द रियल क्वालिटी ऑफ द फ्लावर, और वो खुश रहता है वो आदमी हमेशा जो कि अपनी क्वालिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्लावर की तरह। ट्राई टू कल्टिवेट इन योर सेल्फ एंड देन रीडिफाइन क्वालिटीज़, खुद में कल्टिवेट करिए, उसके बाद ब्यूटी को रीडिफाइन करिए। चलिए अब आंसर्स देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है। अ फ्लावर इज कम्पेयर टू, फ्लावर को यहाँ पर किसके साथ कंपेरिजन किया गया है? विद ऑल लिविंग थिंग्स, विद ह्यूमन बींग, विद गर्ल्स, विद अ चाइल्ड। तो यहाँ पर किया गया ह्यूमन बींग्स के साथ, कि किस तरीके से वो जेनरस है, काइंड है एंड फ्रैंक है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं इस तरीके से वो कैसा है, तो ह्यूमन बींग के साथ कंपेयर किया गया है। अ फ्लावर इज ओपन टू ऑल बिकॉज, फ्लावर सभी के लिए ओपन क्यों है? क्योंकि वो सबको इन्फ्लुएंस करता है, रेडिएट करता है, इट स्प्रेड इट्स ब्यूटी टू ऑल, ऑल ऑफ दिस, सभी रीजन की वजह से वो सभी के लिए ओपन है, सभी को इन्फ्लुएंस करता है, जॉय को रेडिएट करता है, ब्यूटी सभी के लिए है उसी की। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ओपन टू ऑल। द राइटर टॉक्स अबाउट, राइटर किसके बारे में बात कर रहा है? रोज़ फ्लावर के बारे में, लोटस फ्लावर, लिली फ्लावर या फिर ऑल फ्लावर्स, वो सभी फ्लावर्स के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि सभी फ्लावर्स ऐसे ही होते हैं। अ स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस, स्पॉन्टेनियस इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? स्लो इन्फ्लुएंस, क्विकर इन्फ्लुएंस, नेचुरली क्रिएटेड इन्फ्लुएंस, कैजुअल इन्फ्लुएंस। क्विकर इन्फ्लुएंस, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है एकदम से जो काम हो, क्विक मतलब क्विकली। नेक्स्ट इज वी मस्ट बिकम लाइक फ्लावर बिकॉज द फ्लावर इज, हमें फ्लावर की तरह बनना चाहिए क्योंकि फ्लावर क्या है? ओपन, फ्रैंक, काइंड, सेल्फिश तो नहीं है, सेल्फिश इसमें भी आ गया, ये भी नहीं है। ओपन, फ्रैंक, इक्वल, जेनरस एंड काइंड, येस दिस इज करेक्ट। डर्टी नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सभी में कुछ सही भी है लेकिन कुछ रॉन्ग भी है, जैसे इसमें प्राइड नहीं है, प्राउड नहीं है वो, घमंड नहीं है उसे किसी चीज़ का, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें आपका। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेडिएट, रेडिएट करना मतलब फैलाना, तो इसका हो जाएगा स्प्रेड करना। ओके, सिनोनिम पूछा, यस स्प्रेड। नेक्स्ट इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड रिवील, यहाँ पर ऑपोजिट पूछा, रिवील करना कुछ बताना किसी को, खुलासा करना एक तरीके से आप कह सकते हैं हिंदी में। कंसीव, रिसीव, हाइड, साइड, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा हाइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ऑपोजिट ऑफ द वर्ड रिजर्व, रिजर्व रखना अपने आप को बांध के रखना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रैंक, हैंडसम, ऑब्जर्व, टॉकेटिव, फ्रैंक, ऑप्शन ए इज करेक्ट. गिव द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ हैप्पी, आपने कंपैरेटिव सुपरलेटिव पढ़ी होगी, हैप्पी की कंपैरेटिव फॉर्म होती है हैप्पियर, डबल पी आई ई आर, और सुपरलेटिव फॉर्म होती है हैप्पीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका. नेक्स्ट इज हु इज ओपन टू ऑल दैट सराउंड इन द अबव पैसेज, कौन सभी के लिए खुला है, जिसके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फ्लावर है जो कि ओपन टू ऑल है. अब आपके बुक के कुछ क्वेश्चन हैं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आंसर्स आपको पता होंगे इनके. अगर आप चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में कोई बच्चा दे भी सकता है आंसर, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी. हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द स्कूल बॉय, स्कूल बॉय के पोएट कौन है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए, विलियम ब्लेक, थॉमस वाइल्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर, टी एस एलर्ट. नेक्स्ट इज हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, द समर फ्रूट अपियर्स इफ, समर किस तरीके से जॉय को बढ़ाती है, राइज करती है, समर फ्रूट किस में अपियर होते हैं, अगर क्या हो जाए, द लिटिल वन स्प्रेड द स्पेंड्स द डे इन डैश एंड डैश, छोटा जो है बच्चा आपके किसी पोएम का होगा, ये चैप्टर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, वो अपना दिन किन चीज़ों में स्पेंड करता है, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, एवरेस्ट पे खड़ा होकर आलूवालिया वॉज फिल्ड विद द इमोशन ऑफ, आलूवालिया को कैसे इमोशंस आ रहे थे. अकॉर्डिंग टू आलूवालिया द मैन हु रिटर्न्स आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन इज अ, आलूवालिया के अकॉर्डिंग जो आदमी माउंटेन से उतर के आता है, क्लाइंब करके वापस आता है, वो कैसा होता है, चेंज मैन होता है, सिक मैन, आई थिंक उसने चेंज मैन कहा होगा आलू वाले ने, बाकी आप करेक्ट आंसर बता दीजिए. पीपल लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स बिकॉज दे, लोग माउंटेन क्यों चढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं होता, नथिंग बेटर टू डू, गेट मनी एंड नेम, क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है और नाम मिलता है, पेड फॉर इट, पैसा मिलता है, या फिर हैप्पी टू ओवरकम ऑब्स्टेकल, क्योंकि उनको ऑब्स्टेकल जो बाधाएं हैं उनको ओवरकम करना अच्छा लगता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका इसमें. How did Hafiz contractor have nightmare about? तो Hafiz contractor को किस बारे में nightmare, यानी कि बुरे सपने आते थे. ऑप्शन आपको दिया, मैथ्स एग्जाम से रिलेटेड कुछ है, मैथ्स या SST के एग्जाम से. In which standard did the word of his principal influence him? किस स्टैंडर्ड में उनके प्रिंसिपल के शब्दों ने उन्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, आपको पता होगा. What was Mrs. Gupta's advice to Hafiz? Hafiz, Mrs. Gupta का क्या एडवाइस था Hafiz को. How did Hafiz and his friend compete about? What did? किस चीज़ के बारे में उन दोनों का कॉम्पिटिशन था, Hafiz और उसके दोस्त का. In the poem The Last Bargain, what did the child offer to hire him with? जो आपके poem है The Last Bargain, उसमें बच्चे ने क्या offer किया उसको hire करने के लिए. Whose offer did he accept? किसका offer उसने accept किया? Princess September. Princess September. Okay, हो सकता है प्रिंसेस का नाम हो, वैसे तो ये मंथ का नाम है. गॉट अ ग्रीन पैरट इन द गोल्डन केज, उसको एक गोल्डन केज में सोने के पिंजरे में पैरट मिला था, तो कब मिला था, अपने बर्थडे पे, क्वीन के बर्थडे पे, किंग के बर्थडे पे, या फिर सिस्टर के बर्थडे पर. ऑल द सिस्टर ऑफ प्रिंसेस सेप्टेम्बर ऑफर टू बाय हर पैरट बिकॉज, प्रिंसेस सेप्टेम्बर की जो सभी बहनें थी उन्होंने पैरट को खरीदना चाहा, क्योंकि क्या रीज़न था, क्योंकि वो जेलस थी, क्योंकि उन्हें वो पेट बर्ड चाहिए थी, क्योंकि राजा ने उनसे ऐसा कहा था, क्योंकि रानी ने उनसे ऐसा कहा था. नाउन फॉर्म ऑफ सिग्निफाई, सिग्निफाई का नाउन फॉर्म होगा सिग्निफिकेंस, सॉरी नॉट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट, ही सिग्निफिकेंट. नाउन फॉर्म ऑफ परसिस्ट, परसिस्ट का साउंड नाउन फॉर्म होगा परसिस्टेंट, लगातार जो कोई पर्सन परसिस्टेंटली कोई काम करता है. नेवर टेल डैश लाई, नेवर टेल अ लाई, द लाई नहीं होता, क्योंकि लाई बहुत सारे होते हैं. शी इज एन एम ए, वैसे MLA होना चाहिए था आई थिंक, यहाँ पर बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है, वो उसमें अ फिल करते हैं, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि वोवल से जो स्टार्ट होते हैं उन्हीं के आगे ही एन लगता है, बट कुछ आपके एक्सेप्शन केस भी है, और ये एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पे एम की साउंड म ना आके अ से शुरू होते, MLA, ठीक है ना, मल्ले नहीं है ये, तो यानी कि ये आपका इसमें एन आना था. अगर किसी बच्चे ने ए टिक कर दिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा. फिर सनसेट, सूरज कहाँ छिपता है, इन द वेस्ट, बिकॉज वेस्ट जो है आपकी एक ही डायरेक्शन है. आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, ओवर आना चाहिए था, ओके ओवर ऑप्शन में नहीं है, वैसे ओवर ही होता है इसमें, आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा टी को प्रेफर करता हूँ, बट अगर ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में से जो बेस्ट रहेगा दैन रहेगा. आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी से ज़्यादा टी को प्रेफर करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपके आपको आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, आस्किंग हिम टू ग्रांट यू लीव बिकॉज योर मदर इज़ अनवेल. आप अभी तक जो एप्लीकेशन लिखते थे, आप अनवेल हो, मुझे फीवर है, इसलिए एप्लीकेशन लिखते थे. अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बट सब्जेक्ट जहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं कि आई हैड फीवर, वहाँ पर लिख देना माई मदर हैज़ फीवर एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, मुझे उसकी उनकी टेक केयर करना है, ध्यान रखना है उनका. बाकी एप्लीकेशन सेम रहेगी, देर विल बी नो चेंज.
उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है किसी के ऊपर भी, एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, ये नीड ऑफ द आर है। अगर ऑनलाइन एजुकेशन ना होती तो बच्चे शायद कोविड में पढ़ ही ना पाते, इस तरीके से जो भी आपको लगता है इसके फ़ायदे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन आर लाइफ, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन के क्या एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स या फिर आपकी हॉबी, और हॉबी जो भी आपको सही लगे इनमें से एक पर आप लोग पैराग्राफ लिख देंगे। सो दैट्स ऑल, ये आपका पेपर था, ईजी ही पेपर था, बाकी आपके बुक के क्वेश्चंस कैसे आए थे ये आपको पता होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।